पीड़िता के साथ छेड़छाड़ का मामला, नहीं दर्ज हो रहा है मुकदमा। पीड़िता दर दर भटकने को मजबूर। मामला मौरवा थाने का है, जहां थाने में तैनात इंस्पेक्टर नहीं कर रहे हैं कार्यवाही। न्याय पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सत्ता के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आज जब पीड़िता पुलिस अधीक्षक से मिली तो उन्होंने न्याय का भरोसा दिलाया है। देखा जाए तो उन्नाव पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री कहते हैं कि नारियों का सम्मान किया जाए, लेकिन उनके मथात उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। क्या मामला है आपका? सलोन कुमार ने मेरे घर में फोड़ा था। मैं सोची थी मतलब उसने आया मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने फिर पे पापा को चिल्ला दिया। मेरे पापा मूंगफली देखने गए थे, फिर उसने सुना कि दौड़ का आए घर में। देखा सलोन कुमार फिर सिर लग गए सब घर में मेरे से। उसके बाद फिर पुलिस आई है, कोई सुनवाई नहीं किया। थाने गई आप? क्या हुआ? थाना गए थे। क्या कहा थाने में? थाने में कुछ नहीं सुनवाई। उसके बाद किसी उच्च अधिकारी को आपने प्रार्थना पत्र दिया? अभी नहीं। एसपी को दिया? कोई प्रार्थना पत्र दिया आपने? एसपी को दिया। क्या कहा उन्होंने? क्या मामला है आपका? क्यों आए आप यहाँ? हम आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही मोरामा थाने से। कोई क्या हुआ था, क्या घटना है? घटना हमारे 2 बजे रात में सैलंत कुमार हमारे घर में छलांग मारा, हमारी लड़की का हाथ पकड़ा, हमारी लड़की चिल्लाई, हम दौड़े लप्पा झुप्पी किए हैं, तो हमसे लप्पा झुप्पी करके निकल गया, भाग गया। वो कहता हम तुम्हारे साले गोली मार देंगे, हमारे कोई बातचीत करोगे हमारे विषय में। पीछे से शिकायत थाने में की आपने? मोरामा में किया, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। उसके बाद किसी उच्च अधिकारी को आपने बताया? यहाँ आए हैं, लिए दरखास्त। क्या बोले कप्तान साहब? कहते हम तुम्हारी सुनवाई करेंगे। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर तुरंत क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बगल में सब्सक्राइब का भी बटन है, कृपया सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और हमारे सारे वीडियोज को सबसे पहले देखने का।